नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गुरुवार को पुरी पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने आशीर्वाद प्राप्त किया। लगातार दूसरी बार राज्यसभा प्रत्याशी होने के बाद उन्होंने पुरी में पहुंचकर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए। नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का पुरी जिला बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। इस मौके पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के श्री अंग लागी सेवक मधुसूदन सिंघारी ने रेल मंत्री को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का खडुआ पाठ देकर स्वागत किया। अश्विन वैष्णव ने श्री मंदिर से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के पश्चात बाहर निकलकर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर महाप्रभु जी की आज्ञा और आशीर्वाद मिले तो हर असंभव कार्य पूरा जरूर होता है। प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया और ईश्वर के पास प्रार्थना की कि किस तरह से 4.5 करोड़ उड़िया भाइयों और बहनों के लिए जो विकास का स्वप्न मोदी जी देख रहे हैं वो स्वप्न साकार हो। रथ पाई जो भली गत वर्ष व्यवस्था कराई थी रेलवे रू ताठू अधिक बेटर व्यवस्था हम बहुत सुंदर व्यवस्था हम गत थर भी प्राय जिते भक्त मैंने आसते से सैटिस्फाइड थे बहुत खुशी थे। मोदी जी को सबुदिने आस्था आमर कल्चर आमर संस्कृति से संस्कृति उपर बहुत ध्यान दिखती मोदी जी आम निश्चित भाव रेलवे साइड रू बहुत व्यवस्था कर समर्थन।